दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किसी भी ट्रांसफार्मर के द्वारा जो सप्लाई बाहर निकलती है डोमेस्टिक यूज के लिए, वह फेस और न्यूट्रल दो ही चीजें होती हैं उसमें। फेस और न्यूट्रल दो ही चीजें होती हैं और इन्हीं के माध्यम से कोई भी इक्विपमेंट रन करता है। तो फेस तो आप जानते ही हैं क्योंकि ये मेन पावर यही होती है। इसके साथ ये न्यूट्रल जो होता है, एक्चुअल में न्यूट्रल क्या काम करता है, तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि न्यूट्रल वायर जो होता है वह एक्चुअल में काम क्या करता है। तो काफी महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कभी न कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा। तो आज अगर यह पूरा वीडियो आप देखते हैं तो यह कंफ्यूजन आपके मन की दूर हो जाएगी। और दोस्तों, एक मेरा दूसरा चैनल है, उस पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी शेयर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैसे कोई ट्रांसफार्मर है, अगर वो डोमेस्टिक यूज का है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसी में केवल न्यूट्रल का उपयोग होता है, बाकी किसी चीज में न्यूट्रल का उपयोग नहीं होता और कहीं पर भी हम न्यूट्रल नहीं निकालते हैं। तो ये देखिए, तीन फेस हैं, आर, ये वाई और ये बी। अब यहां पर ये जो जंक्शन पॉइंट होता है, यही हमारा न्यूट्रल होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के रूप में कि यहां पर इन तीनों फेसों में, इसमें इसमें इसमें, इन तीनों में मान लीजिए इसमें 240 वोल्ट, 240, 240, मतलब इसको न्यूट्रल से हम फेस के बीच में चेक करेंगे तो 240 वोल्ट आएगा, इस न्यूट्रल से इसके बीच में चेक करेंगे तो 240 वोल्ट आएगा, और इसमें से इसमें चेक करेंगे तो भी 240 वोल्ट ही आएगा। तो इन तीनों फेसों में समान वोल्टेज का बहाव हो रहा है। अब क्या है कि देखिए, न्यूट्रल के कुछ काम है जिसकी आवश्यकता न्यूट्रल के साथ ही पूरी हो सकती है। अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो वह चीज़ नहीं पूरी हो पाएगी। जैसे कि हमारा सिंगल फेस का कोई भी इक्विपमेंट है, वह बिना न्यूट्रल के काम नहीं कर सकता है। मान लीजिए यह हमारा एक बल्ब है, ट्यूबलाइट है, घरेलू जितनी भी इक्विपमेंट हैं जो सिंगल फेस से चलते हैं, उनमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती ही होती है। फेस टू फेस यूज करते हैं तो वह काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि या जो भी घरेलू इक्विपमेंट होते हैं, डोमेस्टिक इक्विपमेंट होते हैं, उनकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 240 वोल्ट तक ही होती है। अगर आप इससे ऊपर यूज करेंगे तो वह इक्विपमेंट खराब हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप फेस टू फेस यूज करते हैं तो सीधे सीधे 440 वोल्ट हो जाएगा और वह इक्विपमेंट हमारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें घरेलू इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो एक चीज तो यह हो गई। और दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण कारण और भी है कि जैसे मान लीजिए कि इस फेस में, ये जो हमारा एक फेस है, ये दूसरा, ये तीसरा है, तीनों फेसों में मान लीजिए इस फेस में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इस फेस में 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इस फेस में 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तीनों फेसों में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि बैलेंस तो होता नहीं है। हो सकता है इस फेस पर आपने ज्यादा लाइटिंग लगा रखी हो, इस पर मान लीजिए आपने मोटर का कनेक्शन कर रखा हो, इस पर आपने कोई चीज और दे रखी हो। ठीक है, तीनों कंडीशन में, मतलब ट्रांसफार्मर से तो 3 फेज सप्लाई निकलती है ना, तो तीनों अलग अलग जगह पर, क्योंकि एक जगह पर एक ही फेस दिया जाएगा, दूसरी जगह पर दूसरा फेस दिया जाएगा। एक घर में 2 फेस नहीं आते, एक घर में केवल एक ही फेस आता है, तो अनबैलेंस हो जाता है। तीनों फेसों पे अलग अलग जो करंट होता है वह फ्लो होता है। इसमें मान लीजिए 15 एम्पियर, इसमें 10 और इसमें 20 एम्पियर। तो एक्चुअल में न्यूट्रल का जो काम होता है, इस फेस के साथ में इस न्यूट्रल का उपयोग किया जाएगा, इस फेस के साथ में इस न्यूट्रल का उपयोग किया जाएगा और इस फेस के साथ में भी इस न्यूट्रल का उपयोग किया जाएगा। तो तीनों के लिए मेन चीज कॉमन तो हमारा न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि न्यूट्रल की आवश्यकता तो पड़नी ही पड़नी है। तो वास्तव में न्यूट्रल करता क्या है कि इन तीनों के लोड को वह एवरेज कर देता है, यहां पर आकर के वह एवरेज कर देता है और सर्किट को वह पूरा कर देता है कि 10, 15 और 20 का जो एवरेज होगा उसको ये कर देता है, जो इनका, जिसे मान लीजिए 5 एम्पियर ये और यहां पर 10 एम्पियर।
ठीक है, अगर इस दस को बेस मान लिया जाए तो 5 एम्पियर इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, 10 एम्पियर इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस 15 एम्पियर का जो करंट होगा वह इस न्यूट्रल के माध्यम से फ्लो होगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि न्यूट्रल में भी आप देखते होंगे कि न्यूट्रल टू अर्थ के बीच में ज्यादा वोल्टेज का फ्लो होता है। आप कभी वास्तव में अगर आप बोलेंगे तो उस पर भी मैं एक अच्छी वीडियो बना दूंगा कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कितना वोल्टेज का फ्लो होता है, तो वास्तव में तो बहुत कम वोल्टेज का फ्लो होता है। लेकिन जो कभी कभी आप देखते होंगे कि न्यूट्रल और फेस के बीच, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में जो करंट का फ्लो होता है वह एक इतना हो जाता है कि पूरा टेस्टर ग्लो होने लगता है, या बल्ब को आप जलाएंगे, बल्ब को आप लगाते हैं न्यूट्रल और अर्थ के बीच में, तो वह काफी हद तक उसमें सब मतलब रोशनी निकलती है। ठीक है, तो उसका मतलब यह हुआ कि लोड अनबैलेंस है, तो वह जो अनबैलेंस लोड है वह इसी न्यूट्रल के माध्यम से फ्लो होता है और वह ग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि न्यूट्रल को हम ग्राउंड कर देते हैं। तो ये कुछ कारण है कि न्यूट्रल यही काम करता है कि सिंगल फेस के लिए तो वह सर्किट पूरा करने काम करता है, और तीनों फेसों में जो अनबैलेंस लोड होता है वह न्यूट्रल के माध्यम से जो करंट होता है वह न्यूट्रल के माध्यम से ही फ्लो होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि न्यूट्रल एक्चुअल में काम क्या करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।